राजनीति से हारी हूँ, इकोनॉमिक्स में माफियात के इजहार ये आज हम पढ़ेंगे, इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, माफी तरक्की के इजहार ये, इजहार ये मतलब इजहार होना, जैसे कि एक अमीर तरीन शख्स उसका इजहार उसके रहन सहन, मकान और कपड़ों से होता है। इसी तरह एक मुल्क तरक्की याफ्ता है या गैर तरक्की याफ्ता है, इसके इजहार के लिए यहाँ पर कुछ इशारे हैं जिसे हम इंडिकेटर्स कहेंगे, या इजहार ये भी कहा जा सकता है इसे माची तरक्की के इजहार ये हजर जैल हैं। रियल नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पर कैपिटा, हकीकी कौमी आमदनी, टीकस आमदनी, मादी मियारी इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, वुमेन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंसानी तरक्की अशारिया, हमारुखी पावर्टी, मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स, हमारुखी पावर्टी अशारिया, समाजी इंडिकेटर्स, सोशल इंडिकेटर्स, समाजी अशारिया, बेसिक नीड्स, बुनियादी सहूलतें। रियल नेशनल इनकम, हकीकी कौमी पैदावार, किसी भी मुल्क के लिए कौमी पैदावार या कौमी आमदनी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है। पैदावार में इजाफे से कौमी आमदनी में इजाफा होगा, जब कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो आमदनी में भी इजाफा होगा। आउटपुट राइज एंड फॉस्टर देन दी रेट ऑफ इन्फ्लेशन, हकीकी कौमी आमदनी में इजाफे के लिए कीमतों पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। कीमतों पर कंट्रोल करते हुए पैदावार में इजाफा करने से नमू में मजबूत अंदाज में इजाफा हो सकता है, लिहाजा कौमी आमदनी में इजाफे के लिए कीमतों पर कंट्रोल करना बेहद जरूरी है। कौमी आमदनी मालूम करने के लिए एक साल मख्तस कर लिया जाता है और उसी साल की कीमतों पर कौमी आमदनी का तखमीना यानी कि हिसाब किया जाता है। कौमी आमदनी के तखमीने के लिए जो साल लिया जाता है वो 2011 और 12 साल में अशिया और खिदमात की जो कीमतें थी उस कीमतों की बुनियाद पर कौमी आमदनी का तखमीना किया जाता है। नेशनल इनकम डाटा एक्सप्रेस एट द कांस्टेंट प्राइसेस, मुस्तकिल कीमतें जो 2011-12 में कीमतें थी उसी कीमतों की बुनियाद पर कौमी आमदनी का तखमीना लगाया जाता है। कौमी आमदनी मालूम करने के लिए फॉर्मूला है यहाँ पर, हकीकी कौमी हकीकी GNP यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, हकीकी घरेलू कौमी आमदनी, ये मालूम करने के लिए प्राइस इंडेक्स जो है ना 2011-12 में अच्छी और खिदमत का जो प्राइस लेवल रहेगा उस प्राइस लेवल से हम यहाँ पर अशिया की कीमतों से जुमला कौमी आमदनी को हम जरब देंगे तब यहाँ पर हकीकी कौमी आमदनी हासिल हो। जितनी ज्यादा कौमी आमदनी में इजाफा होगा माशी तरक्की में उतना ही इजाफा होगा। किसी भी मैशियत के लिए तरक्की करने के लिए कौमी आमदनी में इजाफा करना बेहद जरूरी है। मैशियत
को तरक्की की बुनियाद पर दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसके लिए कौमी आमदनी की बुनियाद पर तरक्की को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक तो है तरक्की याफ्ता ममालिक और दूसरे है गैर तरक्की याफ्ता ममालिक। गैर तरक्की याफ्ता ममालिक को हम तरक्की पजीर ममालिक भी कहेंगे। कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो इससे अफराद का मियारी जिंदगी बुलंद होगा, इससे अंदाजा होगा कि एक मुल्क तरक्की कर रहा है। अगर कौमी आमदनी कम होगी तो इससे मियारी जिंदगी में कमी होती है, जो मुल्क की गैर तरक्की पजीरियत को जाहिर करती है। लिहाजा कौमी आमदनी एक अहम इजहारिया है माशी तरक्की की जांच के, एक पैमाने के तौर पर इस्तेमाल। नेक्स्ट है रियल पर कैपिटा इनकम, हकीकी फीकस आमदनी। फीकस आमदनी यानी कि एक फर्द की आमदनी को हम फीकस आमदनी कहेंगे। फीकस आमदनी मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है, जुमला कौमी आमदनी को जब हम जुमला आबादी से तकसीम करते हैं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई टोटल पॉपुलेशन, जुमला कौमी आमदनी को जब हम जुमला आबादी से तकसीम करते हैं तो हमें फीकस आमदनी हासिल होती है। फीकस आमदनी यानी कि एक फर्द की आमदनी। ये भी माशी तरक्की के इजहारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्या फीकस आमदनी। फीकस आमदनी एक मुल्क के मियार को जाहिर करती है। अगर फीकस आमदनी ज्यादा होगी तो अफराद का मियारी जिंदगी बुलंद होगा, फीकस आमदनी कम होगी तो अफराद का मियारी जिंदगी भी कम होगा। बेस्ट इंडिकेटर ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इसे मियारी जिंदगी की पैमाइश की जाती है। फीकस आमदनी ज्यादा होगी तो मियारी जिंदगी बुलंद होगा, जिंदगी जीने का अंदाज चेंज हो जाएगा, बेहतर गिज़ा इस्तेमाल करेंगे, सेहत पर ज्यादा जोर देंगे, तालीमी सहूलतों में इजाफा होगा, रहन सहन में चेंजेस आएंगे, समाज चेंज होगा। इंक्रीज इन पर कैपिटा इज मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जिस रफ्तार से आबादी में इजाफा हो रहा है उससे ज्यादा फीकस आमदनी में इजाफा करना जरूरी है। क्योंकि फीकस आमदनी में इजाफा होने से मियारी जिंदगी बुलंद होता है। अगर फीकस आमदनी कम है और आबादी ज्यादा है तो आबादी एक मसला बन जाएगी किसी मुल्क के लिए, लिहाजा फीकस आमदनी ज्यादा होगी तो एक मुल्क के लिए तरक्की के रास्ते खुल जाते हैं। अगर फीकस आमदनी कम है तो माशी तरक्की में इजाफा नहीं होगा। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, जिंदगी का मादी मियारी इंडेक्स, जिंदगी के मादी मियारी आचार्य को एम डी मोरिस ने 1979 में ईजाद किया। ये माशी तरक्की का एक गैर आमदनी आचार्य है। जिंदगी के मादी मियारी आचार्य की पैमाइश इस तरह की जाती है, जिंदगी की मुतवक्के उम्र, सुफले अम्वात, बुनियादी ख्वानदगी बेसिक लिटरेसी, जिंदगी की मुतवक्के उम्र। हिंदुस्तान में जिंदगी की मुतवक्के उम्र 68 ईयर्स है। बेहतर गिज़ा, तालीम और सेहत का बेहतर इंतज़ाम रहने से ज़िंदगी की मुतवक्के उम्र ज़्यादा हो सकती है। ये एक माशी तरक्की का आशारिया है जिससे हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि मुल्क तरक्की याफ्ता है या गैर तरक्की याफ्ता है।
तरक्की याफ्ता ममालिक में जिंदगी की मुतवक्के जो उम्र है वो 75 ईयर्स 75 साल तक होती है, जबकि हिंदुस्तान में इस मुतवक्के उम्र सिर्फ 68 ईयर्स है। और हिंदुस्तान में तिफले अमवात यानी बच्चों के मरने की तादाद ज्यादा है। 3,000 बच्चों में तकरीबन 40 बच्चों का इंतकाल हो जाता है, मौत वाक़ हो जाती है। इसलिए अमवात मालूम करने के लिए जो फार्मूला है रबता है वो 3,000 बच्चों में उस बच्चों की जो अमवात है उसको हम इसलिए अमवात कहेंगे। ख्वानदगी की कमी भी पाई जाती है, यहाँ पर ख्वानदगी का जो परसेंटेज है बहुत ही कम है, लिहाजा तरक्की के लिए जिंदगी की मुतवक्के उम्र में इजाफा होना जरूरी है। इसके लिए बेहतर सेहत, प्रोटीन से भरपूर गिज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, बेहतर तिब्बी इमदाद के जरिए इसलिए अमवात में कमी होनी चाहिए, बेहतरीन प्रोटीन से भरपूर बच्चों को गिज़ा देनी चाहिए जिससे बच्चों की अमवात में कमी वाक़ हो, तालीम को आम करना चाहिए, बेसिक जो तालीम है बुनियादी जो तालीम है उसको आम करना जरूरी है। तो इस तरह जिंदगी के मादी मियारी इंडेक्स से तरक्की का इजहार होता है। जहाँ पर जिंदगी का मादी मियारी इंडेक्स ज़्यादा होगा ऐसे ममालिक तरक्की करेंगे, और जहाँ पर जिंदगी का मादी मियारी इंडेक्स कम होगा ऐसे ममालिक पस्ती की जानिब जाएंगे। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स के खसूसियात यहाँ पर देखिए, हाँ जिंदगी के मादी मियारी इंडेक्स के खसूसियात, इससे हमें मुल्क के मैशियत की तरक्की का अंदाज़ा होता है जिससे मुल्क में भलाई को फैलाया जा सकता है। जिंदगी का मादी मियारी इंडेक्स जितना बुलंद होगा मुल्क की माशी तरक्की में उतना ही इजाफा होगा। लिमिटेशन तहदीदात इसके ये हैं, यहाँ पर ऐसे अवामिल को नज़रअंदाज किया जाता है जो कि तरक्की में कारामद होते हैं, एम्प्लॉयमेंट हाउसिंग जस्टिस इसका ताल्लुक यहाँ पर आमदनी से है। यहाँ पर सामाजिक ढांचे में चेंजेस को नहीं बताया जाता क्योंकि इसका ताल्लुक जिंदगी के मादी मियारी इंडेक्स से है, इसीलिए यहाँ पर इसको नहीं लिया जाएगा, जैसे कि रोजगार है, हाउसिंग है, जस्टिस है और सामाजिक ढांचे में तब्दीलियाँ हैं, इसका ताल्लुक जिंदगी के मादी मियारी इंडेक्स से नहीं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इंसानी तरक्की अशारिया, इसका ताल्लुक इंसान की तरक्की से है। इंसानी तरक्की अशारिया को महबूबुल हक ने तरक्की दी। इस कॉन्सेप्ट वॉज डेवलप्ड बाय महबूबुल हक इन 1990। बाद में UNDP की जानिब से 1990 में पहली बार इंसानी तरक्की का तखमीना किया गया। इंसानी तरक्की अशारिया एक शुमारियाती आला है। इंसानी तरक्की अशारिया माशी तरक्की का एक जदीद अशारिया है, इसके हसबे ज़ैल अवामिल है। Idea is a modern indicator of economic development.
कॉम्पोनेंट्स ऑफ एलटीआई आर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंसानी तरक्की आचार्य के जो अवामिल है वो हाइड्रोजन है, लाइफ एक्सपेक्टेंस एट बर्थ, जिंदगी की मुतवक्के उम्र, एजुकेशन तालीम, रियल जीडीपी पर कैपिटा, हकीकी फीसद आमदनी, माशी तरक्की के लिए जरूरी है कि इंसानी असल पर जितनी ज्यादा सरमायाकारी की जाए उतनी ज्यादा तरक्की हासिल होगी। जिंदगी की मुतवक उम्र के लिए, बेहतर सेहत के लिए प्रोटीन से भरपूर गिजा लेंगे, वर्कर्स अपने बेहतर अंदाज में काम करेंगे, बीमारियों से बचेंगे, हेल्थ के ऊपर जोर देना जरूरी है, हेल्दी रहेंगे, काम भी बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। तालीम, तालीम भी बहुत जरूरी है माँ की तरक्की के लिए। तालीम से वर्कर्स की जो स्किल्स है उनकी सलाहियतों में इजाफा होता है, न्यू टेक्निक से वाबस्ता होते हैं, इससे पैदावारी कामों में बेहतरी आती है। न्यू टेक्निक के जरिए पैदावार में इजाफा हो सकता है, लिहाजा तालीम पर सरमायाकारी करने से इंसान की सलाहियतों में इजाफा होता है। रियल जीडीपी पर कैपिटा, काम घरेलू पैदावार और फीसद आमदनी में इजाफे से मियारी जिंदगी बुलंद होता है, बेहतर रहन सहन में इजाफा होता है, समाज में तब्दीली आती है, लिहाजा इंसानी असल पर ज्यादा से ज्यादा सरमायाकारी की जानी चाहिए। नेक्स्ट जो इजहारिया है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अमारुखी गुर्बत अशारिया, ये मुल्क की तरक्की और तरक्की पजीरियत को जाहिर करते। अगर किसी मुल्क में गरीबी कम होगी, गुर्बत कम होगी, तो ऐसा मुल्क तरक्की याफ्ता होता है, और ऐसा मुल्क जहाँ पर ज्यादा गुर्बत पाई जाती है तरक्की पजीर मुल्क कहलाता है। यूएनडीपी की जानिब से पहली दफा इसको 2010 में मुतारिफ किया गया। अमारुखी गरीबी अशारिया के लिए एक ऐसा घराना दरकार है जो मुतअद्दिद इजहारिये के लिहाज से महरूम है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2010 बाय यूएनडीपी, बहुत ज्यादा गरीब अफराद की महरूमियों को बताने के लिए उसको वाजिया किया गया। अगर एक आदमी शुमार करदा इजहारिये में कम से कम 33% महरूम हो तो हमारुखी एतबार से गरीब समझा जाता है। ए पर्सन इज मल्टी डायमेंशनली पुअर इफ ही इज डिप्राइव्ड इन 1/3 33% ऑफ द रेटेड इंडिकेटर्स। हमारुखी गुर्बत के अज्जा हज्जे जहल हैं, तो 10 कॉम्पोनेंट्स ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। हमारुखी गुर्बत के अज्जे जहल अज्जा हैं, न्यूट्रिशन, जिस मुल्क में न्यूट्रिशन से भरपूर गिजा ली जाएगी वहाँ के अफराद सेहतमंद रहेंगे, चाइल्ड मॉर्टेलिटी
तुतले अमवाद। हिंदुस्तान में तुतले अमवाद बहुत ज्यादा तादाद है इसकी, 3,000 के मुकाबले में 44 बच्चों की अमवात हो जाती है। ये अमवात मुख्तलिफ बीमारियों कमजोरियों की वजह से होती है, लिहाजा तुतले अमवात को कम करने के लिए तिब्बी सहूलतें और प्रोटीन से भरपूर गजा फराहम करना जरूरी है। एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, पीने का महफूज पानी फराहम करना जरूरी है सेहतमंद जिंदगी के लिए। हिंदुस्तान के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर आज भी रोशनी की सहूलत नहीं है, ऐसे इलाकों में बिजली का इंतजाम करना चाहिए। एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, एक्सेस टू इम्प्रूव कुकिंग ऑयल, सेहतमंद जिंदगी के लिए जो पकवान के लिए तेल इस्तेमाल किया जाता है वो प्यूरिफाई रहना चाहिए, तमाम जरासीम से पाक और तगजिया बख्श होना चाहिए जिससे कोई भी बीमारी। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ऐसे बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं स्कूल नहीं जाते हैं उनको फिर से स्कूल में दाखिला दिलाना, बुनियादी तालीम को आम करना जिससे तालीम में इजाफा हो। तालीम में इजाफा होने से तालीम याफ्ता अफराद के फन में इजाफा होगा, महारतों में इजाफा होगा जिससे वो पैदावारी कामों में हिस्सा लेंगे, जिससे पैदावार में इजाफा होगा और पैदावार में इजाफा होने से कौमी आमदनी में इजाफा, लिहाजा तालीम को आम करना चाहिए। चिल्ड्रन एनरोल इन स्कूल, स्कूल में ज्यादा से ज्यादा बच्चों की तादाद को बढ़ाना चाहिए ताकि मासी तरफ में इजाफा हो। रहने के लिए महफूज मकाम फराहम करना चाहिए, ऐसे अफराद जो बेघर हैं रहने के लिए मकानी है उनके लिए महफूज मकान या कमरा की फराहमी होनी चाहिए, जिसके लिए हुकूमत ने डबल बेडरूम स्कीम शुरू की है। और जो ऐसे अफराद के लिए जो बेघर हैं जिनके लिए मकान आते हैं ऐसे अफराद के लिए ये सहूलत की जानब से फराहम की गई है। हिफ्ज़ान सेहत, एक्सेस टू सैनिटाइजेशन, सेहत के लिए बेहतर इंतजाम होना चाहिए और पोजीशन ऑफ सम एसेट्स, सब के लिए कुछ असासियात होना चाहिए जिसके लिए जिंदगी में कोई परेशानी ना हो। ये तमाम अवामिल माशी तरक्की को इजहार करते हैं, माशी तरक्की के लिए एक इशारा है। अगर ये अवामिल किसी मुल्क में तरक्की पाते हैं तो वहाँ पर माशी तरक्की हासिल होगी, अगर इसमें कमी पाई जाती है तो यहाँ पर माशी तरक्की। समाजी अशारिया, बुनियादी सहूलतें, सोशल इंडिकेटर्स, बेसिक नीड्स। चंद माहिरीन माशियात ने समाजी अशारिया को माशी तरक्की की पैमाइश के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। सम इकोनॉमिक्स ट्राई टू मेजर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ सोशल इंडिकेटर्स। The direct provision of basic needs such as health, education, food, water, sanitation and housing affects poverty in shorter period. अगर बुनियादी सहूलतें जैसे सेहत, तालीम, गजा, महफूज पानी, हिफ्जान सेहत और रिहायश मुहैया करने से मुख्तसर मुद्दत में गुर्बत पर मुस्बित असर पड़ेगा। बुनियादी सहूलतों की सरबराही से पैदावार और आमदनी में ऊंची शरह से इजाफा होगा, लिहाजा बुनियादी जरूरतों में इजाफे से
पैदावारी में इजाफा होगा, और पैदावारी में जब इजाफा होगा तो कौमी आमदनी में इजाफा होगा। जब कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो ये माशी तरक्की का इशारिया है, अगर कौमी आमदनी में कमी होगी तो इससे माशी तरक्की हासिल नहीं होगी। लिहाजा समाजी इशारिया जब बहुत ज्यादा होगा किसी मुल्क में तो वहां पर तरक्की में इजाफा होगा, और अगर समाजी अशारिया कम होगा तो उस मुल्क में तरक्की हासिल नहीं होगी। अब तक हम जो पढ़ रहे थे माशी तरक्की के इजहारिये थे, ये 10 मार्क्स में आएगा आंसर। इसका क्वेश्चन बोर्ड में इस तरह पूछेगा, पूछा जाएगा कि माशी तरक्की के इजहारिये की जांच कीजिए, इसके लिए आपको ये तमाम पॉइंट्स लिखने हैं। इस आंसर को आप अपने नोटबुक में लिखिए और अच्छी तरह इसको याद कीजिए। इसमें से आपको 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में भी आएंगे, इसमें से जैसे कि हफीसी फीकस आमदनी है, हफीसी कौमी आमदनी है, जिंदगी का मादी मियारी इंडेक्स, और इंसानी तरक्की अशारिया, मारूफी गरीबी इंडेक्स, समाजी अशारिया, बुनियादी जरूरतें, ये अलग अलग आपको 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो एक आंसर आप 10 मार्क्स का याद कर लेंगे तो 2 मार्क्स के भी आंसर इसमें कवर हो जाएंगे। तो लिहाजा आप सब ये आंसर अपने नोटबुक में नोट कीजिए और इसको याद करिए, और कुछ डॉट्स है तो अपने कंसर्न लेक्चर से आप डॉट्स क्लियर कर सकते हैं।